देते हैं, घर गंदा हो गया है साफ कर देते हैं। देखें कितना चिंता निकला घर बिलिए में से, देखो मम्मी घर धो रही हैं। सूख जाइए यहीं में हवा से। देखिए दोपहर का टाइम हो गया, कितना तेज धूप निकला हुआ है। हमने नहा धोवा लिया है, सब साफ सफाई गर्दा से सब भर जाता है, सब साफ सफाई कर दिए हैं। आज चल इसमें खेल रही है, आगे नहीं खेला गा तरा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों देखिए दोपहर के टाइम है और नींद भी नहीं लग रहा है। नहा धोवा के घर और साफ सफाई कर दिए हैं, बर्तन सर्तन धो दिए हैं और गोली के भेजे हैं दुकान लाने के लिए। कुछ गोली देखिए आ भी गई, दूध लाई है ढकने शाम के जलसा। गोली दूध लाने गई थी बाजार, दुकान पे बाजार नहीं। सुबह सुबह किसी के यहाँ दूध नहीं मिला है और शाम के टाइम आता है मेरे घर, तो दादा खा लिए और हम लोग खा लिए तो दूध खत्म हो गया है, तो कॉफी खाना दूध लेके आए हैं। देखिए यहाँ पर गैस को हम जला दिए हैं और यहीं पर अब दूध को हम गर्म कर लेते हैं। दूध अच्छे से खौलाएंगे ताकि हमारा दूध जब गाढ़ा हो जाएगा ना, जब तक हम दूध को खौलाएंगे थोड़ा ही गाढ़ा करेंगे, पूरा ज्यादा गाढ़ा नहीं करते हैं हम। चावल के आटा को घोल तैयार कर, तो देखिए यहाँ पर हम चावल के आटा ले लेंगे, इसे चिल्ला भी बोलते हैं और ढकनेसर, दूध चिल्ला, दूध चिल्ला भी बोलते हैं और ढकनेसर भी बोलते हैं गांव में, इसको हम ढकनेसर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम चावल का आटा ले लिए हैं और यहाँ पर अब इसको चलते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको घोल तैयार कर लेते हैं, जैसे हम पकौड़े के लिए करते हैं उससे थोड़ा सा पतला। देखिए इसका कौर, तो देखिए इसका घोल तैयार हो गया है, नहीं ज्यादा गाढ़ा है नहीं ज्यादा पतला है। अब इसको हम 10 मिनट तक रेस्ट पे छोड़ देते हैं। ये देखिए दूध किस तरह खोल रहा है, यहाँ पे गुड़ भी डाल सकते हैं। तो इसी में हम मिठास के अंदर इसमें चीनी डालकर इसको मिला लेंगे अच्छे से, आप चाहे तो इसमें गुड़ भी डाल के बना सकते हैं। इलायची डाल, दूध हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको हम उतार लेते हैं। इसको 10 मिनट तक हम लोग छोड़ दिए हैं, घोल को हमने बनाकर 10 मिनट रख दिए हैं, घोल हमारा सेट हो गया है, अब चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक हम पेन लिए हैं, अब पेन में हल्का हल्का हम तेल डालकर इसको इस तरीके से फैला देंगे, रिफाइन तेल एक एक कलछुल हम उसमें डालेंगे। और इसको एक प्लेट से हम इस तरीके से ढक देंगे, ताकि प्लेट से ढकने से ये होगा कि जालीदार हो जाएगा, जाली वाला हमारा ढकनेसर बनके तैयार होगा। देखिए एक भी हम निकाले भी यहाँ पे, एक ट्राई की है मम्मी, एक ट्राई की है पहले। देखिए यहाँ पर कितना मस्त बना हुआ है, देख रहे हैं ना। और यहाँ पर देखिए एक दो तवे पर हम बनाए हैं, वहाँ पर लोहे वाला तवे पर, लेकिन बन नहीं पाया, ये काफी ज्यादा मोटा मोटा हो रहा है और खराब भी हो गया है, इसको हम बनाएंगे नहीं, साइड में रखे हैं इसीलिए। और पेन ट्राई किए हैं कि पेन पे बना कर देखते हैं, तो पेन पे एक बनाए थे, थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन अच्छा हुआ, अच्छा हुआ है। देखिए यहाँ पर कितना मस्त जाली जाली दिख रहा है ना, देखिए कितना मस्त बन चुका है। पर दूध हम गरम करके रख दिए हैं, जो उबला हुआ जो उबला वाला दूध है ना वही उसी में है, इसमें 5-6 दूध में डाल दिए। यहाँ पर सारा ढकनेसर हमारा बनके तैयार हो गया है, रुक जो मत।
कोरी अलग थोड़ी गोली। सर बन के तैयार हो गया है, अब सर्व कर लिए हैं, चलते हैं अब हम लोग चख के बताते हैं कैसा हुआ है। प्रश्न कर दादा, डोसा बहुत बढ़िया हुआ है, खाने में बहुत बढ़िया टेस्ट है। ढकने से बहुत ही लायक हुआ है, बहुत ही स्वादिष्ट हुआ है। धाम में आकर ठंडाल कर नहीं है, कब खान तो कौन सी जैसे बात ही आके नहा लेनी वो हम कर। और देखिए अब मम्मी जा रही है खेत में, जो मम्मी ने यहाँ पे जो घेवड़ा है ना इसका बिया फुलाए हैं, एक दिन में ही सब जम गया है। जा रहे हैं रुकने के लिए, कहीं कहीं फाका है वहीं पर जोग देंगे। और देखिए जो मम्मी ने नहाते समय सारा कपड़ा खींच दिया है, तब हम जा रहे हैं, मम्मी चल गई खेत में, तो इसको बाहर पसार देते हैं। चल चला खेत में, चला खेत में। चला देखिए हम खेत में आ गए हैं, मम्मी ने उस साइड का सोच दिया है जो धनिया पत्ता था। फरार भइल मामा, कादर मां देखिए हम घर से आ गए हैं और सब्जी को जहाँ जहाँ खाकर है ना वहाँ वहाँ डूब दिए हैं। और ये कादर देखिए फूट गए, हमारा सब खराब हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है खाने में, मीठा नहीं लग रहा है, इसको सब सूख के साफ कर देंगे और फिर अगले साल बोएंगे। और यहाँ पे मम्मी सो रही हैं और अभी बज रहा है 5, तो जितना देर सोएंगे उतनी देर सोएंगे तब चलते हैं हम घर। और देखिए यहाँ पे आंचल को मैं HCF सिखा रही हूँ, देखिए एक बना के मैंने दिखाया है और इधर आंचल बना रही हैं। आटा सान दिया है और मम्मी आ गई है छोटी दादी के घर से, घर खेत में, खेत में से आके यहाँ पर धो के अभी अभी से आकर के चाची जी के पास थोड़ा बैठते हैं, दुगार के पास क्या करेंगे, अभी से सोए सोते मन हट जा रहा है। अरे वो देखिए बाबू कैसे खेल रहा है दादा के पेट पे, सूत गए दादा के पेट पे। दोस्तों आज का ब्लॉग यही पर खत्म करती हूँ, आपसे भी को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसी नई ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।